इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध चरम पर है। इसराइल के हमले का जवाब देते हुए हिजबुल्ला ने अब दुश्मन देश पर अब तक का एक और सबसे भीषण हमला किया है। जी हाँ, हिजबुल्ला ने इस बार इसराइल के उत्तरी शहरों को निशाना बनाया और भीषण तबाही मचा डाली। मिसाइलें और रॉकेट दाग कर कई वाहनें और इमारतों को ध्वस्त कर दिया। हमला ऐसा किया गया कि हिजबुल्ला के हमले को इसराइल का एयर सिक्योरिटी सिस्टम और आयरन डोम भी रोक नहीं पाया। इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला ऐसे समय में किया है जब इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार कह चुके हैं कि लेबनान के साथ युद्ध विराम के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि गैलीली पर लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को वायु रक्षा प्रणालियों से रोक दिया गया। हालांकि कई रॉकेट कारमिल क्षेत्र और आसपास के शहरों को निशाना बनाने में सफल रहे। हिजबुल्ला ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने कारमिल बस्ती में पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के लिए एक प्रशिक्षण बेस को निशाना बनाया था। इसके कुछ ही समय बाद IDF ने मलकिया के उत्तरी किबुत्स के ऊपर लेबनान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोके जाने की घोषणा की। इससे पहले दिन में लेबनान से आया एक और ड्रोन पश्चिमी गैलीली के लिमन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे झाड़ियों में आग लग गई। हाइफा पर अब तक हुए हमलों में ये सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसमें हिजबुल्ला ने लगातार दो हमलों में लगभग 90 रॉकेट दागे। 80 रॉकेटों को पहले हमले के दौरान IDF ने कहा कि अधिकांश रोक दिए गए थे, लेकिन कई ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बना लिया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 10 रॉकेटों की दूसरी लहर को या तो रोक दिया गया या खुले क्षेत्रों में गिरा दिया गया। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। हमास के टॉप कमांडर्स को मारने के अलावा उसका समर्थन कर रहे दूसरे गुट लेबनान स्थित हिजबुल्ला को भी इसराइल ने निशाना बनाया। हिजबुल्ला के नेताओं और उसके सदस्यों के खात्मे के लिए इसराइल ने बड़े हमले किए, पेजर ऑपरेशन कराया, साथ ही उसके टॉप नेताओं को भी मार गिराया। इसराइल के इस हमले में लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और इसराइली हमलों में कथित तौर पर 3,189 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।